दुनिया में बहुत इंटरेस्टिंग चीजें आपको मिल जाएंगी, लेकिन हम ऐसे लोग हैं जो अगर एक कहानी शुरू करते हैं तो उस कहानी को खत्म भी करते हैं। तो हमने आपको दिखाया था पहले कि कैसे हनी कलेक्ट होता है बी हाइव से और पैक होता है ड्रम्स में और भेजा जाता है डाबर की फैक्ट्री पे। तो अब हम आ गए डाबर हनी की फैक्ट्री में आपको दिखाने के लिए कि यहाँ पर जो हनी आप लोग अपने टेबल पे रखते हैं वो आपके पास कैसे पहुँचती है। और कोई एमएमए फैक्ट्री नहीं है, ये डाबर की सबसे पुरानी फैक्ट्री है हनी के लिए, और ये नरेंद्रपुर में है, कोलकाता के थोड़ा सा बाहर। तो हम यहाँ पे आए क्योंकि यह सारी जो कहानी है यहीं से शुरू हुई थी, और हम देखना चाहते हैं कि जो हमने फार्म में हनी खाई थी वो जब यहाँ पे आती है तो उसके साथ क्या क्या होता है आपके पास पहुँचने से पहले। तो हम हर स्टेज पे हनी को चेक करेंगे, हनी को इंस्पेक्ट करेंगे, और बताना मत किसी को, लेकिन खूब सारी हनी खाएंगे चुपचाप। हाँ बिल्कुल, देखो जी हमारा तो काम है रिसर्च करने है, आपको बताएंगे कैसे कि हनी इतनी टेस्टी और प्योर कैसे, जब तक हम ट्राई नहीं करेंगे 8-10-12 बार। तो सिर्फ आपके लिए सेवा में हम लोग लेके आए हैं हनी को फिल्टर करके, क्लीन करके, इंस्पेक्ट करके, चेक करके आपके टेबल तक पहुंचाने का तरीका क्या है। कितने सैक्रिफाइसिंग लड़के हैं हम यार, बहुत है ना, बहुत ज्यादा। चलें आइए दिखाते हैं आपको प्रोसेस कहां से कहां जाता है। स्टेप नंबर वन, अलग अलग बी फार्म से इकट्ठा किया हुआ हनी डाबर हनी की फैक्ट्री में आता है इन ड्रम्स में। स्टेप टू, क्वालिटी कंट्रोल लैब में हनी आती है, यहां पर इसे 22 पैरामीटर्स पे टेस्ट किया जाता है। मेरा फेवरेट जो टेस्ट है वो है देखने के लिए कि हनी में कोई अडल्ट्रेशन ना हो। मेरा सेकंड मोस्ट फेवरेट टेस्ट है HMF टेस्ट, जो कलर देखता है, लेकिन जो मेरा फेवरेट टेस्ट है ना वो है ये जो टेस्ट है। ये कौन सा वाला टेस्ट है सर? ये ऑर्गेनोलिप्टिक टेस्ट है जिसको हम टेस्ट टेस्ट भी बोलते हैं। ओह वेरी नाइस वेरी नाइस, ये तो हम कर सकते हैं ना टेस्ट प्लीज। या ऑफ कोर्स, वेरी गुड, ये बहुत इंपॉर्टेंट टेस्ट है जी, इसके बिना सब कुछ अधूरा है। नहीं थोड़ा ये डिटेल रिसर्च करने की बहुत जरूरत है इस पे, ये तो मल्टीपल टेस्टिंग करेंगे हम। हाँ वेरी गुड। वैसे PhD के लिए कितना टाइम लगता है, क्योंकि मेरे को भूख काफी लगी है इस टाइम पर। वेरी नाइस, लवली लवली लवली, ओह डिलीशियस। चलो आप इतना बोल रहे हो तो मैं एक टेस्ट और कर लेता हूँ। मैं भी करूंगा यार एक। स्टेप नंबर तीन, यहाँ पे डाबर हनी को हीट किया जाता है ताकि वो पोरिंग में उसकी आसानी हो जाए। स्टेप नंबर फोर, यहाँ पर डाबर हनी को फिल्टर किया जाता है, यहाँ से इंप्योरिटीज निकाली जाती है, और ये है वो जगह। पूरी स्टेरिलाइजेशन के बाद बोतलें यहाँ आती है जहाँ पे उनमें डाबर हनी भरा जाता है। यार काश मैं भी यहाँ पे आ सकता, क्योंकि मैं भी तो 6 फुट का कंटेनर हूँ। और यहाँ पे बॉटल्स को किया जाता है कैप इस मशीन द्वारा। आइए आइए जल्दी आइए जल्दी आइए। और यहाँ पर होती है लेबलिंग, और इसके बाद बोतलें बाहर निकलती हैं फाइनल पैकिंग के लिए। आइए बॉटलिंग और लेबलिंग के बाद एक ये बड़ा इंपॉर्टेंट स्टेप होता है जहाँ पे इंडक्शन सीलिंग से ये टैम्पर प्रूफ सील लगाया जाता है ताकि आपको गारंटी है कि ये अनटच्ड बाय ह्यूमन हैंड्स है, लेकिन इस बोतल को मुझसे कौन बचाएगा। तो ये था पूरा प्रोसेस जहाँ से डाबर हनी आपके घर तक आती है, और ये एंटायर प्रोसेस में हनी इज अनटच्ड बाय ह्यूमन हैंड्स एक बार वो फैक्ट्री में आ जाए। लेकिन जल्दी जल्दी में एक बोतल लेके भागने का कोई फायदा नहीं, कम से कम कुछ महीनों की सप्लाई तो बनती है। मयूर